दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडमिशन सेल में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के साइट पर आएंगे, वहां से एडमिशन सेल से एडमिशन और फिर ऑनलाइन काउंसलिंग पर आएंगे, जहां पे आपको यूजी काउंसलिंग और पीजी काउंसलिंग के बटन दिखाई देंगे। सर्वप्रथम हम यूजी काउंसलिंग को जानते हैं। यूजी काउंसलिंग क्लिक करने पर आपको विभिन्न स्टेप्स दिखाई देंगे, जिन्हें आप एक एक करके पढ़ लेंगे। पढ़ने के पश्चात ही आप आई हैव केयरफुली रेड एंड अंडरस्टूड द रूल्स को क्लिक करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन आप करेंगे अपना मोबाइल नंबर लिख के, पासवर्ड लिख के और कैप्चा लिख के। लॉगिन करने के पश्चात ही आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग। इस रेड बटन को क्लिक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आप डिफरेंट रूल्स जो दिए गए हैं उन्हें एक एक करके पढ़ेंगे और फिर टिक करते हुए क्लिक टू काउंसलिंग पेमेंट पर आ जाएंगे। सभी रूल्स को समझने के पश्चात ही आप पेमेंट करेंगे, जिसकी विभिन्न विधाएं हैं पेमेंट करने की। QR कोड है, कार्ड है, UPI ID है, इससे आप क्लिक करेंगे। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और तत्पश्चात आप पेमेंट रिसीप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा लिखते हुए लॉगिन करेंगे और क्लिक टू पेमेंट रिसीप्ट करेंगे। आप इस रिसीप्ट को बड़े ध्यान से डाउनलोड करके रख लेंगे। आगे बढ़ते हुए आप चॉइस सेलेक्शन पर आएंगे, जिसमें आप यूनिवर्सिटी और विभिन्न कॉलेजेस को देखेंगे। सर्वप्रथम आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के विभिन्न सब्जेक्ट्स में जितनी सीट अलॉटेड हैं, जिस कैटेगरी में अलॉटेड हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे और फिर यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो सुटेबल सब्जेक्ट लगे, दो मेजर और माइनर, उसके हिसाब से आपको ये अलॉटमेंट करना है और फिर आपको सबमिट बटन दबाना है। आप अधिक से अधिक विकल्प दर्ज करें ताकि आपकी सीट आवंटन की संभावना बढ़ जाए और आप अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुन सकें। आप इस प्रकार इसको लॉक करेंगे और लॉक होने के पश्चात आप ओके करेंगे। इसको बहुत ही ध्यान से आपको लॉक करना है। अब आवंटन परिणाम की प्रतीक्षा करें और कृपया अपडेट के लिए 30 जुलाई को वेबसाइट ज़रूर देखें। तत्पश्चात आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपना चॉइस आप डाउनलोड करेंगे और 30 जुलाई को वेबसाइट पर चेक करेंगे। आप अपनी अलॉटेड सीट को अब देखेंगे। व्यू योर अलॉटेड सीट। आपका नाम आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सीट अलॉट हो जाएगी। इसके बाद आप क्लिक टू सीट अलॉटमेंट पेमेंट पे जाएंगे। सीट अलॉटमेंट के बाद ही ये विश्वविद्यालय की फीस होगी, जिसे आप जमा करेंगे, विधा से जमा कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी आपको इसके सक्सेसफुल होने पर मिल जाएगी। तत्पश्चात आप पेमेंट रिसीप्ट को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा लिख के। ये आपकी फीस जमा होने की जानकारी होगी। इसके पश्चात आप देखेंगे कि इफ़ यू चूज येस, यू विल बी एलिजिबल फॉर काउंसलिंग अगेन, विच में इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर, और नो होने पर आप आगे
5 दिन के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट को अपने यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज के में जाकर उसको वेरीफाई करवा लेंगे। नो होने पर आप तभी ओके करेंगे, पास रखेंगे और इसको लेकर ही आप वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे। इस प्रकार बड़े ही सरल तरीके से आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। थैंक यू।